ब्यूटीफुल नेचर पर आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच कहा है, किसी ने अगर हथियार अपनी कीमत पहचानते हैं तो अपना समय और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर कभी नहीं तोड़ना। मत करना, जो लोग आपकी बातें समझ नहीं सकते वह लोग जो आपको चिल्लाते हैं और यह तो किसी काम का नहीं, इसे क्या ही होगा, ऐसी सोच वाले लोग आपकी से दूर रहने वाली हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक लड़के की कहानी है जो खुद को साथियों से कम बताती थी और अपनी कीमत नहीं बताती थी। आज की कहानी जो है ये जिंदगी बदलने वाली है। एक बार की बात है, एक महान गुरु प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के लोग भी शामिल थे, सभी गुरु को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन खत्म हो गए थे, लोगों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने घर को चल पड़े, पर एक जगह पर बैठे रह गए। गुरु की नज़र उस युवा ने रखी तो वह बैठा, क्या बात है, कोई जिज्ञासा नहीं क्या। युवा गुरु के पास गया और बोलकर, गुरुदेव बहुत उलझे मैं हूँ, इसी बारे में विचार करता हूँ कि यह कैसा दिखता है। वास गुरु ने प्रश्न किया है। युवा हाथ वाला बोला, गुरुदेव यह कितनी विशाल है, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, ये भी एक से बढ़कर एक विद्वान कलाकार हैं, उन सब के बीच में एक बार मुझसे पूछा जाए कि सामान्य का क्या मूल्य है। युवाओं की बात सुनी गई, गुरु की झलक नीचे, वे बोले जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकता है। गुरुदेव यह तो मेरे लिए गर्व है कि मैंने आपके काम और प्यारे लड़के को अपने हाथ से एक हाथ मिलाया है। गुरुदेव ने कहा, आप ऑर्डर करें। गुरु ने उस लड़के को एक चमकीला पत्थर दिया है जो कहता है कि इस पत्थर की कीमत पता चल रही है और इसे ध्यान में रखते हुए बस इसकी कीमत पता करना है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा था कि युवक ने गुरु से पत्थर ले लिया, उसने उन्हें एक बार फिर से प्रणाम किया और बाजार की ओर चल दिया। वहाँ से ज्यादा दूरी नहीं थी, देर से वहाँ पहुँचने पर, वह सुबह का समय था इसलिए अभी ठीक है, ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पर इक्का दुक्का कलाकार ही थे। युवा ने उत्सुकता पूर्वक वर्ष भर उसे एक पेड़ के नीचे देखा। एक छात्र ने देखा कि वह युवा उस दिग्गज के पास पहुँच रहा था और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर पर हैं की कीमत बताई जा सकती है। पत्थर की चमक को देखकर उसे समझ में आ गया कि यह कोई कीमती पत्थर है। वह जोर से आवाज में बोलता है, तो कुछ खास नहीं लगता है, इसके बदले में 10 बजे मैं अलेक्जेंडर की बात सुन सकता हूँ। युवाओं को प्रभाव सा गुस्से में आ गया, वह मन ही मन बंदर ले गया है, इतना सुंदर पत्थर और इसकी कीमत सिर्फ एक आम ही है, यह झूठ बोल रहा है। युवाओं को चुप देखने वाला छात्र बोल उठा, क्या कहता है आम पर। युवा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह छात्र आगे एक सब्जी वाले की दुकान में एक सब्जी वाला दिखाई दिया जो उसके पास पहुंचा और उस पर पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की खुशी से चमक उठी, वह मन ही मन देखने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती है, अगर ये मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गया। युवाओं ने दोस्तों की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाला चौंका हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस मन में इसकी कीमत की गणना कर रहा था, वैसे ही इस पत्थर के बदले में एक बोरी आलू दे रहा हूँ। सब्जी वाले के सामने सब्जी की कुटिलता जिसे देखकर युवाओं को समझ आया कि मुझे भी बेवकूफ बना रहा हूँ, मुझे किसी और से इसकी कीमत पता चल रही है। सब्जी वाले के सामने सब्जी उगाने आया हूँ, यह दोस्तों ने मुझे भी बनाया बेवकूफी भरी आवाज। क्या हुआ भाई, अगर यह कीमत कम लग रही है तो सही, मैं आपको बता दूं कि युवा ने अपनी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अब यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को आश्वस्त करता है जो पहचान हो और उस पत्थर की सही कीमत बताए। युवा लग रहा था कि निश्चित रूप से यह कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी, सही मूल्य नहीं है। विशेष रूप से यह सोचा गया कि युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंच गया, जौहरी अपनी दुकान को खोल ही रहा था। युवक अपनी दुकान की ओर दूर से आया था, साथ ही देखा उसने युवाओं का हुलिया देखकर भी भांप लिया गया कि कोई गरीब व्यक्ति है जो
धार्मिक हूँ कोई गहरा आकर्षण आया होगा। जौहरी ने हाथ मिलाया, युवाओं ने इसे नमस्कार और मुस्कुराहट करर से पूछा। यह नाम सर से पूछा गया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गुरुदेव ने जो पत्थर दिया था उस पत्थर को देखकर ही जौहरी ने उसे पहचान लिया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाला है। उसने बोला, पत्थर मुझे दे दो और 1,00,000 रुपए ले लो। कहा जाता है कि जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ हिलाया था। जब तक युवा ने पत्थर को डायरिया में बंद कर दिया था तब तक उसने पत्थर के मूल्य का आकलन कर लिया था, इसलिए वह गुरुदेव के पास जाने के लिए गया था। आवाज, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,00,000 दे सकता हूँ। लेकिन युवक को वह स्टोन बिजनेस दिया था तो ऐसा नहीं था। वह रुका नहीं और दुकान के बाहर और जौहरी पर भी कम आकर्षक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर की किसी भी कीमत अपने हाथ पर लगा सकता था, से नहीं जाना चाहता था। वह दौड़ने वाला उसकी आगे और हाथ से बोला, यह तुम पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। युवाओं को जौहरी की बातों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वह जल्द ही गुरुदेव के पास पहुँच जाना चाहता था, इसलिए वह नहीं रुका और ना ही उसने जौहरी की कोई बात का जवाब दिया। वह गुरु के आश्रम की ओर से तेज तेज कदम उठाता है। जौहरी ने पीछे से आवाज दी है, यह बेहद मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम्हें पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर छात्र हो गए, उसे लगा कि कहीं पत्थर के लाल में जौहरी उसे निरस्त्र जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ने लगा। युवा जब गुरु के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हांफ रहा था। उसे देखकर गुरु के चित्र फिर से उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी कहा स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। वे बोले, क्या है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवा ने गुरु को प्रणाम किया और सारी बात कह दी, साथ ही उसने पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। गुरु बोले, आम वाले ने MC मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि यह कितना अनमोल है। यह पत्थर का गुण जो इसे समझता है, इसकी कीमत है, खाते से गणना की गई है। ऐसे ही यह जीवन है, हर व्यक्ति का खान से निकला हुआ एक पत्थर के समान है जो अभी तक तराशा जैसा नहीं आया है। जैसे समय की धार व्यक्ति को तराश की जाती है, व्यक्ति की कीमत बहुलता होती है। दुनिया व्यक्ति को पहचानती है, पहचान उसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताती है। गुरु एक क्षण के लिए यह फिर बोलती है, कट्टर आदमी और ज्वालामुखी में अंतर यह है कि स्टोक्स कोई दूसरा तराश है और किसी को अपने आप को तराशना है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, पंख भी पसंद करते हो, कोई ना कोई जौहरी मिल ही जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बोलो हर हर महादेव।